हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज जो मैं आपको आसान टेक्निक बताने जा रही हूँ, इससे आप अपना वज़न बहुत तेज़ी से घटा सकते हैं और अपनी बॉडी को शेप में ला सकते हैं। हर किसी का सपना है आजकल के समय में अपनी बॉडी को शेप में लाना, अपने मन चाहे कपड़े पहनना और उसे खूबसूरत दिखना। हर कोई अपने आप में रोल मॉडल बनना चाहता है, एक हीरो हीरोइन की तरह दिखना चाहता है और एक खूबसूरत ज़िंदगी जीना चाहता है। अगर हमारी पेट की चर्बी होगी तो अपने मनपसंद कपड़े नहीं पहन पाएंगे, हम खूबसूरत नहीं लग पाएंगे और हमें शर्मिंदगी महसूस होगी। तो हमें अपनी पेट की चर्बी को छुपाने की ज़रूरत नहीं, उसको हमें घटाने का समय आ गया है। आपको सिर्फ मुझे 5 मिनट देने हैं अपने बिजी शेड्यूल में से। आप मुझे फॉलो करिए जो आपको मैं एक्सरसाइजेस बताती हूँ, और जिसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान एक्सरसाइजेज हैं, कोई हार्ड एक्सरसाइजेज नहीं जिसको आप नहीं कर सकें। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको महंगी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको डाइटिंग करने की ज़रूरत है जिससे आपकी बॉडी पर हार्मफुल हो, इफ़ेक्ट करे और आपको प्रॉब्लम हो। सिर्फ एक घर बैठे बैठे 5 मिनट के लिए समय निकालिए और एक टॉवल की मदद से आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सिर्फ 5 मिनट में आप अपना वज़न कम कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे एक टॉवल की मदद से। टॉवल ऐसी चीज़ है जो हर किसी घर में इजीली अवेलेबल होती है, जो मैं आपको तरीका बताने जा रही हूँ। अगर आप इसी आसान तरीके अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं टॉवल की मदद से, तो अपना वज़न आप इजीली घटा सकते हैं, तेज़ी से घटा सकते हैं और अपनी बॉडी को शेप में ला सकते हैं और खूबसूरती बढ़ा सकते हैं अपनी। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि टॉवल का इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे वज़न घटा सकते हैं आप टॉवल की मदद से। दोस्तों, आप इस तरह का एक टॉवल ले लीजिए, फुल साइज़ का। इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिए, उसके बाद इसको टाइटली रोल करिए, एकदम टाइटली, जिससे ये खुले नहीं और आपको कोई तकलीफ़ ना हो, आप आसानी से एक्सरसाइज कर सकें। टाइटली रोल करने के बाद आप इसको किसी थ्रेड से बांध भी सकते हैं ताकि ये खुले नहीं, आपको दिक्कत ना आए एक्सरसाइज करने में। इसकी लंबाई 15 इंच लंबा होना चाहिए, 4 इंच चौड़ा होना चाहिए। एक्सरसाइज करने के लिए आपको कोई नरम गद्दे का इस्तेमाल नहीं करना, योगा मैट्रेस आप ले सकते हैं, ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दरी भी बिछा सकते हैं। दरी के ऊपर आप आराम से लेट जाइए और इस टॉवल को नाभि की सीध में बैक के पीछे आप रख सकते हैं। बैक के पीछे रख कर आप आराम से लेट जाइए। लेटने के बाद जितने आपकी शोल्डर्स की चौड़ाई है, उतने ही आपको अपने फीट की चौड़ाई रखनी है और दोनों थंब को, फीट के जो थंब्स हैं उनको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपको अपनी दोनों आर्म्स सर से ऊपर की तरफ लेकर जाना है, सीधा रखनी है अपनी दोनों बाजुएं और अपने हैंड्स की लास्ट फिंगर को ज्वाइन कर अपने हथेलियों को ज़मीन से टिकाना है। टिकाने के बाद आपको 5 मिनट के लिए इसी पोजीशन में लेटे रहना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में से 5 मिनट के लिए लेटा नहीं जाता, तो आप 1 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं और जैसे आपको आदत हो जाए उसके बाद आप अपना टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसी की मदद से आप आसानी से अपना वज़न घटा सकते हैं इस एक्सरसाइज के थ्रू। एक्सरसाइज करने के बाद 5 मिनट के बाद आपको झटके से नहीं उठना, पहले साइड लेटकर आपको अपना टॉवल खिसका देना है, उसके बाद आपको साइड बाहर लेकर उठना है। उठने के बाद आप ज़मीन पर बैठिए और गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लेने के बाद आप खड़े हो जाइए, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी एक्सरसाइज की वजह से आप अपना तेज़ी से वज़न घटा सकते हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल कीजिए और अपना वज़न फिर देखिए कितनी जल्दी आपका वज़न घट जाता है और आप स्लिम और फिट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज बताई, टॉवल की सहायता से आप एक्सरसाइज को रेगुलर करने से 5 मिनट आपको टाइम निकालना है और अपना वज़न आप घटा सकते हैं। अब ये जानते हैं कि एक्सरसाइज और ये टेक्निक कैसे अपना काम करती है। अगर हमारी कूल्हे की हड्डी अपनी जगह से खिसक जाए तो हमारा वज़न बढ़ने लगता है, पेट के आसपास चर्बी जमा होने लगती है। इस एक्सरसाइज के करने से आपकी पेट की चर्बी कम हो जाती है, आपकी वेस्ट लाइन कम हो जाती है, कूल्हे की हड्डी सीधी हो जाती है। आपको स्पाइन का प्रॉब्लम है, आपको बैक पेन प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाता है और साथ में आपकी हाइट भी बढ़ने लगती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक एक्सरसाइज बहुत तरह के फ़ायदे देती है आपके शरीर को। इस एक्सरसाइज के कोई भी नुकसानदायक नहीं है। अगर फिर भी किसी को बैक पेन प्रॉब्लम है या बोन प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से वो कंसर्न कर सकते हैं। अदरवाइज इस एक्सरसाइज को करने से आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी और अपनी बॉडी को आप शेप में ले आएंगे और खूबसूरत लगने लगेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और आगे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।